वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर। जवेरा पुलिस ने पकड़ा जुआ फाड़ पर दबे 7 जुआरियों को पकड़ा। 2,62,000 रुपए सहित मोबाइल और मोटरसाइकिल ने जब्त की। दमोह जिले के जवेरा थाना अंतर्गत क्षेत्र में विगत कई दिनों से बड़े बड़े महानगरों सहित आसपास के गांवों से लोग जुआ खेलने आ रहे थे। जो क्षेत्र के जंगलों, खेतों या सुनसान स्थानों पर फड़ लगाकर लाखों का जुआ खेलते हैं। ऐसे ही एक सूचना मुखबे के द्वारा जवेरा पुलिस को मिली। जवेरा पुलिस ने पुलिस अधीक्षक DR तैनिवार के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई करते हुए SDOP मानसे परमार, थाना प्रभारी इंद्रा सिंह के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई। शुक्रवार की रात की गठित टीम ने जलेरी तालाब के पास जंगल में जुआ फड़ पर दबिश दी। जुआ फड़ से पुलिस ने 7 जुआरियों को मौके पर पकड़ा। वहीं कुछ जुआरी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हुए। पुलिस के द्वारा जुआ फड़ से 2,38,000 रुपये नकद, 7 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल जिनकी कीमत करीब 1,24,000 रुपये की बताई जा रही है जब्त की है। इस प्रकार कुल 3,62,000 रुपये का जुआ पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। कार्रवाई क्षेत्र में अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। इस कार्रवाई में ASI सियाराम शेह, ASI मणिभाई, प्रधान आरक्षक संतोष खरे, प्रधान आरक्षक रणवत सिंह, आरक्षक प्रकाश नामदेव, प्रमोद वैन, नगर रक्षा समिति सदस्य सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही। जवेरा से मयंक जैन की खास रिपोर्ट।